हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय किचन। आज हम बनाएंगे बचे हुए चावल से मैदू वड़ा। ये बहुत ही क्रिस्पी होते हैं, ये आप सुन सकते हैं इसकी आवाज़। ये बाहर से जितने क्रिस्पी है, ये अंदर से उतने ही सॉफ्ट है। तो मैं अब आपको इसे तोड़ करके बताती हूँ। ये देखिए, बहुत ही टेस्टी है ये, आप इसे ज़रूर बना के ट्राई कीजिए। तो इस मैदू वड़ा को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे बचे हुए चावल का यूज़ किया है। तो मैंने 1 कप चावल ले लिया है, इसे हम मिक्सर में पीस लेंगे। तो ये देखिए, इसे हम पीस लेते हैं। तो मैंने इसे थोड़ा सा दरदरा ही रखा है, आप देख सकते हैं। अब हम इसमें एक कटा हुआ प्याज डालेंगे। मैंने यहाँ एक मीडियम साइज का प्याज को बारीक काट करके ले लिया है। कुछ धनिया के पत्ते डाल देंगे, एक हरी मिर्च, अगर आप मिर्च ज़्यादा खाते हैं तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं। सूजी डालेंगे, तो अभी मैंने इसमें 2 चम्मच सूजी डाली है, अगर ज़रूरत पड़े तो हम इसे और डालेंगे। 2 बड़े चम्मच दही डालेंगे और अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। तो इसे मिक्स करने के लिए हाथ से ही आप इसे मिक्स करें, क्योंकि ये चम्मच से अच्छी तरह से मिक्स नहीं होगा। तो मुझे ये थोड़ा सा गीला लग रहा है, तो हम इसमें थोड़ा सा और सूजी डालेंगे। तो मैंने और 2 चम्मच सूजी डाल लिए हैं और अब हम फिर से इसे मिक्स करेंगे। यानी कि हमने 4 चम्मच सूजी का यूज़ किया है और 2 चम्मच दही का। तो हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा डालेंगे यानी कि मीठा सोडा, और इसे फिर से हम मिला लेंगे। तो आप देख सकते हैं, हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। तो अब हम इसे 5 मिनट के लिए रेस्ट करने रखेंगे। 5 मिनट बाद हम हाथ में थोड़ा ऑयल लगा लेंगे और थोड़ा सा मिश्रण हाथ में लेंगे और इसे हम बॉल की तरह पहले बना लेंगे। ये देखिए इस तरह से, इसे हम हाथों से गोल कर लेंगे और थोड़ा फ्लैट कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से इसे फ्लैट करेंगे और अब उंगली से हम इसमें छेद बना लेंगे, जैसे कि मैदू वड़ा में होता है उसी तरह से। तो ये देखिए इस तरह से हमने इसमें छेद कर लिया है दोनों दोनों तरफ से। तो इसी तरह से हम बाकी के मैदू वड़ा को भी बना करके तैयार करेंगे। फ्रेंड्स, ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी होती है। ये मैदू वड़ा खाने में बहुत ही क्रिस्पी होते हैं और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, बहुत ही टेस्टी है ये। तो आप इसे एक बार ज़रूर बना करके ट्राई कीजिए। आप इसे इवनिंग स्नैक्स में खा सकते हैं और इसे बच्चे भी बहुत पसंद करते हैं। तो ये देखिए, इसी तरह से हमने सारे मैदू वड़े पर बना लेना है और अब हम इसे फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए मैंने ऑयल को अच्छी तरह से गर्म कर लिया है और इसमें हम मैदू वड़े डालेंगे। हमने यह फ्लेम को मीडियम पे रखा है। अगर आप इसे हाई फ्लेम पर पकाएंगे तो ये बाहर से जल जाएंगे और अंदर से ये कच्चे रह जाएंगे, और अगर आप इसे लो फ्लेम पर पकाएंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा ऑयल एब्जॉर्ब करेंगे। तो ये देख सकते हैं आप, ये थोड़े पकने लगे हैं। तो अब हम इसे पलट लेंगे और बीच बीच में हम इसे 3 से 4 बार पलटते हुए गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं, मैदू वड़े अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं और काफ़ी अच्छा रंग आया है इसमें। तो मैं आपको इसे सामने से दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके बेल का आइकन को प्रेस करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे किसी नई रेसिपी के साथ।